जब वो बहुत ज़्यादा अफसोस होती है कि मेरी सासू माँ की यह हालत मेरे से दिखाई नहीं जा रहा। मैं खुद ही तो एक यतीम हूँ, ना मेरी माँ है ना मेरी बाप है, मेरा तो कुछ ही, मेरा खुद का कोई नहीं। तो मैं चाहता नहीं कि मेरी ससुर वाल में सब लोग ठीक रहे और अल्लाह ताला उनको अच्छी करे। मैं बहुत ज़्यादा जब दुख होता है तब भी मैं रोता हूँ। मैं हमेशा अक्सर रोते में इतना मतलब बात नहीं कर सकता। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आज के बाद आज मेरी मन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं कभी ऐसे मतलब आप लोगों के सामने आया नहीं, तो मैंने आज आया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने नमाज़ पढ़ के बहुत ज़्यादा दुआएं किया, तो मेरा उर्दू इतना ख़ास नहीं, तो जैसे भी आता है मैं आप लोगों से अभी शेयर करती हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ आज, क्योंकि मेरी अपनी माँ मेरा दुनिया में नहीं है। तो मेरी जो सासू माँ है वो बहुत ज़्यादा सीख है अभी, वो मैंने तीन चार दिन पहला दो तीन दिन पहला सुना है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी है और उसकी तबीयत कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ, मैं उसको देख नहीं पाई। वो अभी तो गांव में है, हमारे यहाँ पे नहीं है घर पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और मैंने ऐसे किया कि मैं उसके लिए जितना हो सके मैं दुआ करूँ और मैं उसके लिए नफल रोज़ा भी रखेंगी ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। मेरी अपनी माँ तो मेरा दुनिया में नहीं है। मैं हमेशा चाहता था कि मेरे जो सास है वो मेरे साथ हमेशा रहे, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करूँ और अपनी माँ की तरह। मैं अपनी शौहर जो है मैं उसको अभी तक ऐसे ऐसे मेरे मन के अंदर होता है, मैं उसको बोलता हूँ कि मेरी माँ तो नहीं है तो क्या है, तुम्हारी माँ तो है ना, मैं उसको अपनी माँ समझूँगी। मेरी ना हो खैर है लेकिन तुम्हारी तो माँ है ना, वो तो मेरी माँ की तरह ही है और सब माँ तो एक जैसी होती है। देखिए मैं पड़ोस में जाऊँ कहीं जगह पे जाऊँ, उन लोगों ने हाँ 2-5 मिनट मुझे गाले लगाएगा, मुझे माँ की तरह प्यार करेगा ठीक है, लेकिन सारा ज़िंदगी के लिए वो तो नहीं करेगा। सारा ज़िंदगी के लिए जो प्यार होती है वो अपनी माँ होती है। और जब से शादी हुआ सुना है कि सासू माँ करता है, तो सुना है, तो यही बात है कि मैं किसी के लिए कभी बददुआएं नहीं देती हूँ। हाँ मैं गुस्सा होता है मेरे मन के अंदर, मेरी अपनी पापा मामा को ही नहीं, तो मेरा अपना दुख भी होती है। तो मेरे जितना भी दुख होती है मैं सिर्फ घर में जो होती है अपनी हस्बैंड को शेयर करती हूँ और किसी को नहीं करता, क्योंकि मेरा शेयर करने वाला कोई है ही नहीं। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होती है कि मेरी सासू माँ की यह हालत मेरे से दिखाई नहीं जा रहा। मैं खुद ही तो एक यतीम हूँ, ना मेरी माँ है ना मेरी बाप है, मेरा तो कुछ ही, मेरा खुद का कोई नहीं। तो मैं चाहता नहीं कि मेरी ससुर वाल में सब लोग ठीक रहे और अल्लाह ताला उनको अच्छी करे। मैं बहुत ज़्यादा जब दुख होता है तब भी मैं रोता हूँ। मैं हमेशा अक्सर रोते में इतना मतलब बात नहीं कर सकता। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि वो ठीक हो जाए बहुत जल्दी। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग दुआ करें कि मेरी सासू माँ जो है वो ठीक हो जाए, उसकी तबीयत बहुत बुरा है मैंने सुना। तो आप लोग हो सके तो उसके लिए नफल नमाज भी पढ़ दीजिए कि ठीक हो जाए, और मेरा मन तो बिल्कुल ख़राब है उसके लिए। तो अपनी फैमिली मेंबर फैमिली होती है, अपनी माँ नहीं पापा नहीं मेरा, तो मेरा अफसोस तो इतना होती जाती है ना। तो जब ये बात मैंने सुना तो वो भी बहुत परेशान था, मुझे बोल रहा था कि तुम अब दुआई करो नमाज पढ़ के कि ठीक हो जाए। मैंने उसको कहा था, मैं भी दुआ करूँगी, मैं क्यों नहीं दुआ करना, मैं दुआ करूँगी उसके लिए बहुत ज़्यादा कि वो ठीक हो जाए, मैं अल्लाह से मांगूँगी ठीक हो जाए। सासू माँ तो ठीक है, अगर मुझे बेटी माने ना माने कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बात ऐसी है कि मेरी उसकी फैमिली सब लोग खुश रहे, उनकी अपनी इतना बच्चा है, सब बच्चा के साथ माँ को अच्छी लगती है, बच्चों के साथ माँ को तो अच्छी रहे, खुशी रहे बच्चों और माँ सब फैमिली। तो मैं तो
बांग्लादेश से इस फैमिली में आया हूँ, इस फैमिली का मैं क्या था, कुछ भी नहीं है, शादी हो के बस इधर आया हूँ। लेकिन इंसान के अंदर प्यार मोहब्बत दुआ यही मेन होता है। तो अभी मैं तो इतना बात भी नहीं कर सकता आप लोगों के सामने, आप लोग सिर्फ दुआ ही करें और बहुत जल्द ठीक हो जाए, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसके लिए अभी दुआ कर लिया, तो हमेशा करती रहूँगी कि ठीक हो जाए।